वर्धा में बर्थडे से लौट रहे मेडिकल छात्रों की कार नदी में गिरी। बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 की मौत। महाराष्ट्र के वर्धा में देर रात भीषण दुर्घटना में मेडिकल के 7 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में भाजपा विधायक विजय रंगाल दाले के बेटे आविष्कार रंगाल दाले भी शामिल है। दुर्घटना सेलसुरा के पास एक पुल पर हुई है। 7 छात्र एक कार में सवार थे और खाना खाकर ढाबे से लौट रहे थे। ब्रिज पर कार के आते ही वह अनियंत्रित हो गई और ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ते हुए 40 फीट गहरी नदी में गिर पड़ी। SP वर्धा प्रशांत होलकर ने बताया कि दुर्घटना के बारे में स्थानीय नागरिकों ने देर रात बताया। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। सभी मृतकों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। ये सभी वर्धा जिले के सांगवी में के मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। हादसे में मरने वाले सभी छात्र हॉस्टल में रह रहे थे। हॉस्टल में रात 10 बजे अटेंडेंस ली जाती है। इनके हॉस्टल में नहीं मिलने पर वार्डन ने परिजनों को इसकी जानकारी फोन से दी। एक परिजन ने वार्डन को बताया कि वे बर्थडे पार्टी में गए हैं। देर रात तक छात्रों के हॉस्टल में नहीं आने से उनके सीनियर्स भी परेशान थे। आखिरकार आज तड़के छात्रों को उनके आकस्मिक मौत की खबर मिली।